हैं मध्य प्रदेश पुलिस, हम लोग आ चुके हैं मध्य प्रदेश पुलिस की एग्जाम यहाँ चल रहा है। अलग अलग जगह से आए विद्यार्थियों से बात करेंगे कि आज का पेपर का वेटेज कैसा रहा, उनका स्कोर कितना रहा और पेपर में क्या क्या पूछा। तो दोस्तों अलग अलग विद्यार्थी जुड़ने के लिए आप जुड़े रहे हमारे बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो अभ्यर्थी। मैं इनसे पूछूंगा इनका स्कोर कितना रहा आज का और पेपर का वेटेज कैसा रहा। पहले आपका स्कोर बताइए। 71। नाम क्या आपका? रिंकू। मैं रिंकू, कहाँ से आए आप? शाजापुर जिले। शाजापुर से। आपका स्कोर कितना रहा? 77 स्कोर रहा। कहाँ से आए आप? ग्वालियर से। ग्वालियर से। नाम क्या है आपका? पूजा रावत। पूजा रावत, है ना। तो मैं आपसे पूछूंगा आज की लगभग मैथ्स में आप मुझे टॉपिक के नाम बताइए। मैथ्स में परसेंटेज थे, ठीक है। कितने क्वेश्चन होंगे परसेंटेज के? नहीं, वो उसकी क्या था, SICI। SICI था, ठीक है। लाभ हानि से कोई क्वेश्चन आया क्या? भी थे दो तीन क्वेश्चन। हाँ, पर वो दोनों ही सम। हाँ, लाभ हानि से भी थे दो क्वेश्चन। सरलीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं था? सरलीकरण से था, पर सिंपल से थे सारे। हाँ, सिंपल थे। सिंपल थे। मुझे बताइए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में वेटेज कितना ज्यादा नजर आया आज? बायो का। लगभग जैसे क्वेश्चन थे ना आज की का था, एक क्वेश्चन वो ऊर्जा का था, वो कार्य कौन सी राशि। दोनों ये बताओ कि एमपीजी के आया कि नहीं आया? एमपीजी के का एक भी क्वेश्चन नहीं था, कुछ नजर नहीं आया, कुछ भी नजर नहीं आया। क्वेश्चन आया कि नहीं आया? नदियों से नहीं आया। दोनों जैसा बोल रही हो। बस एक वर्षा वो आया था उत्सव कि राजस्थान का कौन सा उत्सव नहीं है, तो वो पीरपुदान तो एमपी का है, तो वो एमपी। तो कला संस्कृति से कोई क्वेश्चन आया कि नहीं आया आज? नहीं आया, एक भी क्वेश्चन नहीं आया। बस ये उत्सव ये था, जैसे लगातार इतिहास से क्वेश्चन आ रहे थे बंस के बारे में, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं आया। हिस्ट्री से दो तीन दिन से लगातार। दोनों मुझे बताओ, एक 71 वाली है, एक 77 वाली है, लगभग जीके कहाँ से पूछा फिर आज? जीके एक तो इससे था, यूनेस्को धरोहर से, ये जो अजंता की गुफा, अजंता की गुफा है और ये इसकी गुफा है ना, हाँ, तो उससे उसके दक्षिण में किसके साथ, मतलब किसके सामने है वो, तो ऑप्शन में था 1000 मीटर दक्षिण पूरा पश्चिम में, और 2021 का मतलब करंट आया था। एक करंट के कितने क्वेश्चन थे आज? और एक वो था उत्तर प्रदेश में 2021 में साहित्य पुरस्कार किसे मिला। दोनों आराम आराम सोचो, मुझे जीके बताओ क्योंकि बच्चों का जीके बहुत कठिन जाता है और पेपर है ना। कहीं नहीं बना जीके, ही नहीं बना जीके, नहीं बना। मैथ्स रीजनिंग में लगभग तुम्हें कितने क्वेश्चन नजर आया आज? हाँ, 65 के समथिंग ही थे। हाँ, 65 क्वेश्चन थे, जीएस के थे, साइंस मिला के, जीएस मिला के 35। तो मुझे बताओ, तुम सोचो आराम से, रीजनिंग के कुछ टॉपिक के नाम याद हो। हाँ, घड़ी से था एक क्वेश्चन, मतलब घड़ी से दो क्वेश्चन थे तो दोनों बन गए थे, पर एक ऐसा था वो दर्पण का दिया था पर उसमें आंसर ही नहीं था। आंसर नहीं था वो पता नहीं। और बताओ मुझे घड़ी के कोई क्वेश्चन। घड़ी के दो क्वेश्चन थे और वो जो त्रिभुज गिनने वाले है ना उसमें से थे दो तीन क्वेश्चन थे वो, और सिंपल ही थे, ज्यादा टफ नहीं थे। रेजिंग में टॉपिक के नाम तुम भी सोचो थोड़ा। सेटिंग अरेंजमेंट आया कि नहीं आया? नहीं आया। कोडिंग डिकोडिंग कितने क्वेश्चन थे लगभग? एक से था, दिशा दूरी से था कि वो इतने लेफ्ट में इतने जाते थे, उसके लेफ्ट में वो दो क्वेश्चन थे, एक दो के। हां, सरलीकरण से क्वेश्चन आया क्या? कितने क्वेश्चन थे? दो क्वेश्चन थे। घातांकरणी पूछा? हां, वो घातांकरणी x की पावर x y की पावर थोड़ा सा लेवल का। एलसीएम एचसीएल से क्वेश्चन आया क्या? दोनों ही सिंपल परसेंटेज से आया। हां, वो भी सारे सिंपल थे। सीआईएसआई से क्वेश्चन आए थे। एडवांस और अर्थमेटिक में ज्यादा वेटेज किसका रहा? एडवांस का भी एक क्वेश्चन था, अर्थमेटिक का ज्यादा था, और एडवांस का तो सिर्फ एक क्वेश्चन था। इसका कौन से टॉपिक से आया? गोला का। किसी गोले को शंकु से तीन गोला पिघला करके एक गोला बनाना, एक गोला बनाया था, उसकी त्रिज्या निकालना थी। मतलब कि पेपर का जो वेटेज रहा डेली अगर देखे तो आज का थोड़ा टफ नजर आया। वैसे टफ तो नहीं था हम लोग, अगर मैथ्स रीजनिंग अगर अच्छा पेपर सरल सरल है ना। और जीके जीएस तो मतलब ऐसा पूछा कि एमपीपी कुछ आया ही नहीं है, नदियों से कुछ भी नहीं आया, कला संस्कृति नहीं आई, फिर मतलब कि कुछ अलग ही आया। कुछ अलग तो नहीं आया, ये इसका था एक तो ये महाराष्ट्र की गुफा, अजंता की गुफा, इसके दक्षिण में तो विभेद में होता है, मिसलिनियस वाले क्वेश्चन है। आने एक ये था 2021 में, उसको उत्तर प्रदेश में साहित्य पुरस्कार किसे मिला, एक ये था, और वो था वो दिल्ली गेट, वो इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया, दो क्वेश्चन ये दोनों थे, इंडिया गेट और गेट वे ऑफ इंडिया। तुम्हारे 77 है, कौन सी कैटेगरी लिखती हो आप? एसटी एससी ओबीसी? ओबीसी। तुम कौन सी लिखती हो? ओबीसी। कितने नंबर है? 71। दोनों के अच्छे नंबर हैं और पेपर का लेवल आज हार्ड रहा दोनों के लिए। थैंक यू, बढ़िया फिजिकल कीजिए। नमस्कार साथियों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो नए अभ्यर्थी। मैं पूछूंगा कि आज मध्य प्रदेश पुलिस में स्कोर कितना रहा इनका और ये कब से तैयारी कर रहे हैं और इनका नाम क्या है? आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम सीता है, मुरैना जिला से आई हूँ। मुरैना जिला। मुरैना से आई है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिवानी है, मैं भिंड जिले से रहने भिंड से वाली हूँ। भाई, एक भिंड से आई और एक मुरैना से आई है। अब मुझे बताइए पेपर का लेवल कैसा रहा लगभग? लेवल हार्ड ही था क्योंकि यार सिंपल तो नहीं था, आज बायो नहीं था। हाँ। केमिस्ट्री ज्यादा थी, ज्यादा दिखा था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री ज्यादा है। हां, और बहुत सारे बच्चों के 50 के नीचे ही नंबर थे, 50 के ऊपर बहुत कम के थे नंबर। आपका स्कोर कितना है? मेरा 60 है। 60 स्कोर है। मुझे बताइए कि एडवांस और अर्थमेटिक में ज्यादा क्या पूछा गया आज? वो अर्थमेटिक पूछा गया, एडवांस कुछ टॉपिक के नाम बता दो बच्चों को याद हो जाएंगे। वही सीआई था, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज,
और सरलीकरण से कोई क्वेश्चन आया क्या? हाँ आए थे, दो आए थे, दो क्वेश्चन आए थे। बहुपद से क्वेश्चन आया पॉलीमर से? नहीं नहीं, उससे नहीं, मुझे नहीं पता है ना। चलिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन तुम्हें याद हो थोड़े बहुत तो बता दो। सर बायो की तो आज नहीं थी ज्यादा, फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन नाम बताओ। जैसे एक तो भूकंप का था, जो भूकंप तरंगी है ना, इसे माप जाए तो उसी के दो थे एक जैसे। ठीक है, के बारे में आया होगा, क्या तरंगों के बारे में? सर तरंग नहीं, मुझे नहीं। इंफ्रारेड और जो केमिस्ट्री में क्या पूछा? केमिस्ट्री में जो दो चार ही थी, मतलब आज बहुत कम था, है ना। क्या कोई तुम्हें जीके जीएस क्वेश्चन याद हो थोड़ा बहुत? हाँ एक था वो इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ पर है, एक था दा इंडिया ऑफ फ्यूचर, दो एक जैसे क्वेश्चन थे, दोनों इंडिया गेट बनता है। एमपीजी के मुझे नहीं एक भी दिखा, सॉरी। चलो ठीक है, एक बार फिर अभी मैं इनसे पूछूंगा कि ये लिखकर भी लेके आए बहुत सारे क्वेश्चन, इनका नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और इनके नंबर कितने आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कमल वगेल है। कौन से जिले से आप हैं? मैं दतिया जिले से हूँ। दतिया जिले से हैं। और तो स्कोर कितना रहा आपका आज का? 74। 74 स्कोर रहा। पहले पेपर का लेवल बताइए, मॉडरेट रहा लेवल का, लो रहा या फिर हाई रहा? देखो मैथ्री जी ने पूछा तो बोलूंगा 65 कन्फर्म। आप जो लिख कर लेके आए हो मुझे एक बार स्पीड से पढ़ के बताओ क्या क्या आया है। मैंने क्या बाहर आया तो दो तीन दोस्तों ने मिलकर लिखे थे इसे। तो देखो पहला पूछा था परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला, परमवीर चक्र कितने लोगों को मिला, मतलब उत्पादन में भारत का स्थान कितना है, ट्राफलर युद्ध किन देशों के बीच हुआ, सकल घरेलू क्षेत्र में कितने क्षेत्र में भारत के 2021 का यूपी का शायद पूछा, ऑल ओवर वाला नहीं। पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड कितनी बार मिला, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कब शुरू हुआ, राजस्थान के तौर में एक अपोजिट ढूंढना था, मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा कौन पाई जाती है, सूर्य बजट किसने किया, इंडिया गेट कहाँ पे, कामाख्या मंदिर कौन सी शताब्दी में बना था, अजंता एलोरा गुफाओं में एलोरा से कितनी दूरी पे है, कौन सी दिशा में है, हाँ इंडियन नेशनल आर्मी कौन सी देश की सेना मिला के बनाई गई थी, राज्य व्यवस्था में सबसे मतलब मजबूत राज्य व्यवस्था किसकी है, अर्थव्यवस्था किसकी है, मतलब इकोनॉमिक्स को गांधी ने कौन सी अध्यक्षता की थी कांग्रेस की, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है, मतलब वर्ल्ड से। हाँ तो मुझे बताओ साइंस में यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में बेटेज किसका ज्यादा नजर आया आज? बेटेज ज्यादा आया बॉटनी का, पादप हार्मोन्स के बारे में, इनके बारे में नहीं, हार्मोन्स नहीं था। प्लांट किंगडम के बारे में क्वेश्चन आया होगा, प्लांट किंगडम से थे दो तीन से। तो रसायन से क्वेश्चन आया, केमिस्ट्री से, रसायन शास्त्र से दो क्वेश्चन, एक था कि मतलब ये पदार्थ सोडियम बाइकार्बोनेट से बनता है, कैसे बनता है, मतलब वो दिए थे नीचे और ऊपर कोई सा दिया था। फिजिक्स से क्वेश्चन आया कोई आज? इसके एक आधे दो क्वेश्चन थे कि कार कौन सी वो है राशि। एमपीजी की पूछा कि नहीं पूछा? एमपीजी के बिल्कुल। नदियों से कोई क्वेश्चन नहीं आया? नदियों से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं आया। कला संस्कृति नहीं आई? कला संस्कृति में आया, कामाख्या मंदिर आया था, राजस्थान का वो आया था, तो और गुफाओं के बारे में कुछ क्वेश्चन आया था। एलोरा गुफा का ये आया था कि एलोरा से किस दिशा में कितनी लंबाई पे है ना। अब सर तुमसे पूछेंगे फिजिक्स और किसमें मैथ्स और रीजनिंग के बारे में कुछ टॉपिक के नाम बताइए। अब मैथ्स और रीजनिंग में आपसे क्या पूछा गया, कौन कौन चैप्टर अगर आपके याद हो? पहले तो बोलूंगा सबसे इजी था, सबसे तो मुझे देखो सीआई के तीन क्वेश्चन थे, 25,000 का 20% के हिसाब से निकालना था दो वर्ष का जी, एक बार रेट निकालना था और एक बार सीआई सिंपल प्रश्न आ रहे हैं, बात कर लाभ हानि वगैरह में क्वेश्चन किस टाइप से अगर आपको याद है। लाभ हानि के याद नहीं आ रहा बट हां मतलब कंफर्म था कि 10 वस्तुएं सीपी 10 के बराबर है और एसपी 5 के बराबर है तो कितने का लाभ होगा, तो वो और अगर एलसीएम एचसीएम में वो चैप्टर आया हो, एलसीएम में आया था डायरेक्ट वो निकालना था, एचसीएफ निकालना था, एचसीएफ निकालना था। और अगर बात करें सिंपलीफिकेशन, सिंपलीफिकेशन के दो क्वेश्चन, सिंपलीफिकेशन के दो क्वेश्चन थे। और अगर बात करें मेन के एडवांस में आया था कुछ, एडवांस के तीन मान लो, दो बीजगणित से थे, ए प्लस बी प्लस क्यू का वो लगाना था और एक ए प्लस बी का क्यू का वो लगाना था, दो मान दिए थे तीसरे। और अगर बात करें क्षेत्र में कुछ आया इसमें दोस्तों हमारे पास जुड़ चुके हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि ये कहाँ से हैं, इनका नाम क्या है और इनका स्कोर कितना रहा और पेपर का आज वेटेज कैसा नजर आया। आपका नाम क्या है? ज्योति राठौर। कहाँ से हो आप? मुरैना से आए हैं। तो मुझे बताओ पेपर का आज वेटेज कैसा रहा लगभग? आज साइंस बहुत कम था। एमपीजी की आया कि नहीं आया? नहीं। और मुझे बताओ कि मैथ्स रीजनिंग में कितने क्वेश्चन होंगे तुम्हें याद? वही 60-65 के लगभग चल रहा है। और रीजनिंग के टॉपिक के नाम बता दो बच्चों को, आज कुछ बदला है? काउंटिंग फिगर था, उसके 3-4 क्वेश्चन थे और कोडिंग डिकोडिंग के थे 3-4 क्वेश्चन। दर्पण से कोई क्वेश्चन आया क्या आज? दर्पण हाँ दो आए थे, दो क्वेश्चन दर्पण से आए थे।
क्या कोई क्वेश्चन आया क्लॉक से क्लॉक से आया था अच्छा घड़ी से क्वेश्चन आया कुछ घड़ी से दो आए थे ना ठीक है कैलेंडर से नजर आया कोई क्वेश्चन आपका कैलेंडर से भी था क्वेश्चन था मुझे बताओ तुम आज कोडिंग डिकोडिंग में लगभग कितने क्वेश्चन होंगे कोडिंग डिकोडिंग में दो से तीन थे दो से तीन क्वेश्चन होंगे दर्पण प्रतिबिंब से क्वेश्चन आया क्या आया था सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया सिटिंग अरेंजमेंट से एक भी नहीं क्वेश्चन नहीं आया या तो या फिर घोड़ा बिल्ली ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आया आपको आज वो था वो कथन निष्कर्ष के बारे में क्वेश्चन आया कथन निष्कर्ष के दो थे दो क्वेश्चन थे पेपर का लेवल कैसा लगा लगातार आज देख रहे हैं तुम्हें थोड़ा सा था हार्ड था थोड़ा सा एमपीजी के आया नहीं आया एमपीजी के नहीं था बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आया एमपीजी के नहीं था और साइंस के भी उसमें फिजिक्स में फिजिक्स से कुछ बायो का सिर्फ एक क्वेश्चन था केमिस्ट्री और फिजिक्स का बेटा अच्छा रहा मतलब फिजिक्स का था ठीक है मुझे बताओ तुम कि नदियों से कोई क्वेश्चन आया नहीं आया एक भी नहीं था एक भी क्वेश्चन नहीं था पहला संस्कृत से क्वेश्चन आया नहीं आया एक भी नहीं था अरे फिर क्या पूछ लिया आज ऐसा बहुत डर लगता समझ ही नहीं आ रहा था उसका आदत तो नहीं हिस्ट्री से पॉलिटी से हिस्ट्री से नहीं था हिस्ट्री से नहीं था फिर कौन सा जीके पूछ लिया आज ये था ज्योग्राफी से होगा बट ये था कि आधा तो ये था ना तो फिजिक्स का था हाँ। और बायोलॉजी का नहीं था बायोलॉजी का एक क्वेश्चन था हाँ। और मतलब अगर तुम का एक भी नहीं डेली डेली एग्जाम देने से आई हो तो रिव्यू देखे होंगे तुमने पेपर देखे कैसा दे, जा देखे रहा है देखे तो दे एक तो क्वार्टरली का देखा था विनर्स का देखा था और साइंस की क्लासेस भी ली थी साइंस का कुछ भी नहीं चलिए अच्छा बढ़िया रहा थोड़ी और तैयारी कीजिए प्रयास करेंगे हो जाएगा ना चलिए थैंक यू